Hi guys, a very good evening to you all. Just quickly let me know in the chat box if I'm properly audible and visible to you. जल्दी बताओ भाई साहब. काफी टाइम से मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को एक जो नई मेथोडोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की है, नई पेडागॉजी जो हमने डेवलप की है, उसका एक डेमो देना तो बनता है. सो वेरी गुड इवनिंग गाइज. आई होप वी आर ऑल प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल, मतलब आई एम विजिबल टू यू. तुम्हें आवाज मेरी सुनाई दे रही होगी. जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आई होप एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन. वी कैन स्टार्ट विद दिस सेशन. यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. हाँ जी, अब मेरे कुछ सवालों के जवाब आप लोग सबसे पहले देंगे, उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे. आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमें आईपीसी आता है? बेसिक सवाल. ठीक, कई लोगों ने तो मेरा ही रैपिड रिवीजन देखा होगा सालों पहले, हो सकता है देखा हो. कोई व्यक्ति बोले कि भाई, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर 2020 में आपका एक तो रैपिड रिवीजन देखे थे. फिर एक आया कि सर 2021 में आपका एक रैपिड रिवीजन देखे थे. फिर आया था कि सर 2022 में भी आपका एक रैपिड रिवीजन देखे थे. क्या नया होने वाला है? What is going to be different? There has to be something different, ना? If you are saying that it is core concept, तो core concept का मतलब क्या है? What exactly does this term core concept mean? देखो, अभी पिछले कुछ समय में जितने भी previous year papers को मैंने analysis किया जिनका, and उन analysis के through मुझे ये चीज़ समझ में आई that the high court or the paper setting body is not standing static. यानी कि इन लोगों का इंटेंशन ही है कि आप लोगों के लिए अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर डेलिबरेटली बनाना. यानी पेपर ऐसा बनना चाहिए कि भैया बच्चा जो है वो दिक्कत में आए. बट आई एम हियर विद दिस सेशन ऑफ कोर कॉन्सेप्ट. बैक टू बैक सेशंस होंगे, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, सरसों होगा, और भी एक बहुत, एक नहीं इनफैक्ट मल्टीपल बहुत बड़े सरप्राइजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं. स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो हमारे YouTube के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है. बट वही स्टूडेंट्स अगर डेफिनेटली ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी को या हमारे प्रारब्ध बैच को, तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी आप लोगों को आगे पता चलेगा. बट बेनिफिट बेनिफिट की बात नहीं करते हैं. पहले तो मुझे ये बता दो कितने लोगों को लगता है कि भाई हाँ, हमें डेफिनेटली बहुत अच्छी नॉलेज है आईपीसी की. आईपीसी तो सर पूछ लो, रटा हुआ है, जानकारी है एकदम पूरी, एकदम मस्त मक्खन मस्का जानकारी है. कैन समबडी टेल मी? दीपक बोला सर हमें तो कुछ नहीं आता. ये सबसे सही जवाब होता है, पता है. Anybody who is saying कि हमें कुछ नहीं आता, सबसे सेफ बच्चा वही है. पर कुछ नहीं आएगा ना, तो ये अंडर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है. सर थोड़ा थोड़ा आता है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है. कोर कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है कि नहीं है उसको हम लोग देखेंगे. लेकिन जरा मुझे फटाफट से बताइए, आता है नॉट मी नॉट मी? यहां पे तो लोग लिख रहे हैं सर नॉट मी. हाँ मी सर, हमें जानकारी है. कुछ कह रहे हैं कि नहीं नॉट मी. देखो जी, ये जो पूरा सेशन होने वाला है ना, इस सेशन में इट इज गोइंग टू बी डैम इंटरेस्टिंग फॉर यू. This session is damn interesting for you. उसकी गारंटी मैं लेता हूं. कैसे? तुम पूरा सेशन देख लो. पूरा सेशन देखने के बाद तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि किस प्रकार से अब हम पढ़ने वाले हैं अपकमिंग छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन के लिए, महाराष्ट्र एग्जामिनेशन के लिए, एमपी एग्जामिनेशन के लिए. बट अगर इस तरीके से पढ़ाई करी तो ना सिर्फ एमपी, ना सिर्फ महाराष्ट्र, ना सिर्फ छत्तीसगढ़, आप बैक टू बैक जितने भी वैकेंसीज आती हैं, जितने भी एग्जाम्स आते हैं, उन सब के लिए बहुत तगड़े तरीके से प्रिपेयर होने वाले हो. द गारंटी इज ऑन मी. चलिए जी, अब आप लोगों का ये सेशन शुरू करते हैं. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फन सेशन एंड इट इज गोइंग टू बी अ डैम इंटरेस्टिंग सेशन. चलो एक मैं छोटा सा मैसेज भी डाल देता हूं टेलीग्राम पे कि भाई फटाफट आ जाइए सब लोग. Let me just see. Fair enough. Just hold on a second, guys. Core concept of IPC has just started. Dun, dun, dun. हो गया जी, देयर यू गो, डन, फॉरवर्ड, डन. हाँ जी, काम खत्म. अब शुरू करते हैं, अब मजे आएंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. फटाफट से मैं बताता चलूंगा कि आप लोगों को एक्चुअली क्या क्या चीजों के बारे में जानकारी देनी चाहिए. सबसे पहला तो भैया प्रारब्ध बैच आ रहा है. प्रारब्ध छत्तीसगढ़ एंड एमपी को टारगेट करता हुआ एक बैच है. छत्तीसगढ़ का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमपी का भी नोटिफिकेशन जल्दी. ये बैच शुरू हो रहा है 15th of June से. यस,
हियर्स द डेट, 15th ऑफ जून से शुरू हो रहा है, 6 महीने का ड्यूरेशन होने वाला है। इसमें मैं आपको प्री प्लस मेंस सेंट्रिक ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगा कि आप लोग के लिए प्री और मेंस दोनों ही निकालना कन्वीनियंट हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। अब साथ साथ में ये भी बता दूं कि जो रेगुलर क्लासेस के हमारे सारे बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगे। JW10 वालों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं वो आगे आपको एंड में पता चलेगा, बट 15th जून से 6 महीने का ये पूरा बैच शुरू हो रहा है मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, सो यू आर गोइंग टू लव इट। अनअकैडमी का ऑफर भी आ रहा है, 25% डिस्काउंट कल से एप्लीकेबल हो जाएगा, सो यू कैन यूज द कोड JW10 एंड गेट द मैक्सिमम ऑफर, 25% डिस्काउंट कल से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आई बिलीव 17 तारीख तक रहने वाला है, yes, 17 जून तक रहने वाला है। यू कैन अवेल द बेनिफिट नाउ। एक चीज है जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाली है जो मैं लेकर के आने वाला हूं। शायद किसी ने अगर नोटिस किया हो तो टेलीग्राम पे मैंने एक शब्द लिखा था SQN, देयर इज अ सरप्राइज। अब ये हिडन था ऑब्वियसली, अभी आज मैं इसको रिवील नहीं करने वाला हूं, बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड, समथिंग वन ऑफ इट्स काइंड, एंड इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी सिंगल कैंडिडेट, ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट, क्योंकि ना तो आज तक ऐसा कुछ हुआ है, ना ही नहीं, कॉपी तो होता है, कॉपी हो जाता है तो आगे हो सकता है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है ऐसा कुछ। SQN मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, बहुत दिन से सोच रहा था कि क्या ऐसा कुछ लाना चाहिए, क्या ऐसा कुछ सरप्राइज आपके लिए लाना चाहिए। सो यस, ये सरप्राइज आपको जल्दी ही मिलेगा। क्या है सरप्राइज, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट SQN ध्यान में रखना। अब कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन पीनल कोड को शुरू करते हैं। आर यू गाइज एक्साइटेड, जल्दी से बताइए, आर यू गाइज एक्साइटेड, ऑल सेट, फटाफट से बताओ, शैल वी स्टार्ट, शैल वी बिगिन। बहुत मजा आएगा, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि इंडियन पीनल कोड हमसे बनता है तो भाई दिस इज अ सेशन फॉर यू, दिस इज योर कोर कॉन्सेप्चुअल स्पाइन बेस्ड सेशन, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा जो इंडियन पीनल कोड की रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी हिली डुली तो है, इतना भी हमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ये सब देखने वाले। यस, ऑलरेडी ऑल सेट, बहुत बढ़िया, वी कैन स्टार्ट राइट अवे, बढ़िया, चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन, चलिए आ जाते हैं। अब मैं बता देता हूं कि ये पूरा सेशन वर्क कैसे करने वाला है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, हाउ आर वी गोइंग टू मूव अहेड विद दिस सेशन। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द करेंट स्टैंडिंग ऑफ प्रिपरेशन इन इंडियन पीनल कोड, तुम्हारी करेंट स्टैंडिंग क्या है, वो टेस्ट मेथड लगाएंगे, देयर विल बी अ टेस्ट मेथड बाय विच वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारी अभी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, अभी तुम कितना आईपीसी को समझते हो, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंडली कोर लेक्चर एंड थर्ड विल बी अ फाइनल टेस्ट, ठीक, ये पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी होगा। बट यू विल नॉट नो कि कब कौन सी चीज हो रही है, आपको ये पता नहीं चलेगा, हो सकता है कुछ आइडिया लग जाए, कुछ आपको पता चल जाए कि कब क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन ये तीनों चीजें कब और कैसे आपके साथ होने वाली हैं ये पूरी तरीके से आपको कभी भी नहीं पता चलेगा, कभी भी नहीं समझ में आएगा, उसकी गारंटी मेरी है। और इतना मजा आने वाला है भाई साहब, अभी तक इंडियन पीनल कोड में आपको कभी इतना मजा नहीं आया होगा जितना आज आने वाला है। आई होप यू गाइज आर रेडी, तीनों चीजें साथ में होने वाली हैं आपके साथ, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी आईपीसी को शुरू करते वक्त, कोई भी बच्चा होता है ना इंडियन पीनल कोड पढ़ना शुरू करता है, उसको सबसे पहले बताया जाता है कि भाई इंडियन पीनल कोड 1860 का है, मैं कॉलेज चाचा बनाए थे, इतने सेक्शन, ब्ला 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 ब्ला, फालतू की चीजें, वो तो तुम्हें आनी चाहिए, वो तो बेसिक सी चीजें हैं, ऑब्वियसली तुम्हें पता होना चाहिए, बट कुछ चीजें जो ज्यादातर लोगों के दिमाग से छूट जाती हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने महाराष्ट्र बैच, तेजस बैच शुरू किया, उसमें बात हुई, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 40 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी, तो आईपीसी के सेक्शन 40 में दिया हुआ है ऑफेंस और सीआरपीसी के सेक्शन 2N में दिया हुआ है ऑफेंस। क्या किसी को पता है कि ऑफेंस की एक और डेफिनेशन कहीं और भी दी हुई है, देयर इज अ थर्ड डेफिनेशन एंड आई एम डैम श्योर कि आपने वो 10 बार पढ़ी है, You have read that definition 10 times, but तुम्हारे दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में वो definition fit ही नहीं हुई होगी कि यार ये offense की definition तो यहां भी दी हुई है। Anyone who can tell me where do you get to see the definition of offense? कहीं सुना है? General clauses, section 20, limitation 238. अरे 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 भैया कहां किधर?
बताओ जरा ऑफेंस की दो डेफिनेशन तो पता है ना, सेक्शन 40 पता है आईपीसी का, सेक्शन 2N पता है सीआरपीसी का, और कहां है, और कहां है डेफिनेशन आईपीसी सीआरपीसी दो सेक्शन, एक और जगह पे आप लोगों की डेफिनेशन दी हुई है, जस्ट लेट मी नो ना वेयर डू यू गेट टू सी द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम्हें किस लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, तुम्हें किस लेवल पे प्रिपेयर करना है फॉर द अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। लेट मी नो, कम ऑन, यस फातिमा एब्सोल्युटली करेक्ट, सेक्शन 4 खोल के देखो बेयर एक्ट का, जस्ट ओपन सेक्शन 4 ऑफ द बेयर एक्ट एंड विच एक्सप्लेनेशन टॉक्स अबाउट दिस, भाई साहब यस When you look at it, अरे आईपीसी अभी कहां जनरल क्लॉजेस में जा रहे हो, कहां जेजे में जा रहे हो, आईपीसी बताओ ना, आईपीसी में ऑफेंस की डेफिनेशन मिलती है सेक्शन 4 के एक्सप्लेनेशन में भी, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी अगर घुमा के सवाल पूछ लेंगे वहां पे आप फंस जाओगे, इंटरव्यू में ही पूछ लेंगे ना वहीं फंस जाओगे। ऑफेंस की डेफिनेशन आपको सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी में भी मिलती है, आधे से ज्यादा छोड़ो 95-99% लोगों की आंखों से मिस हो जाता है, ये जानकारी होनी चाहिए, इस लेवल का डेडिकेशन प्रिपरेशन तुम्हारा बनता है। चलो ये तो बेसिक आइडिया हो गया ना, तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम, हर किसी को पता होता है, कम ऑन हर किसी को पता होता है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम, जल्दी कोर कॉन्सेप्ट है ना, पता होना चाहिए, जल्दी बताओ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अरे भाई दिखाना थोड़ी है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम और स्टेजेस ऑफ एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस कोई क्राइम कितने स्टेजेस में कवर किया जाता है, फटाफट से बताओ। अब ये तो पता ही है, चार स्टेजेस हैं, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है ना भाई, देयर आर फोर स्टेजेस, नंबर 1 इज इंटेंशन, नंबर 1 इज इंटेंशन, नंबर 2 इज प्रिपरेशन, करेक्ट, नंबर 3 इज एन अटेम्प्ट, नंबर 4 इज योर व्हाट इज योर कमीशन और द एक्चुअल ऑफेंस और व्हाटएवर इज द रिजल्ट, यस यही है चार स्टेजेस। अब तुम्हें लगेगा सर ये वही चार चीजें पढ़ा रहे हो, कौन सी नई बात है हमें आती है, चलो लेट्स टेस्ट इट। डिनायल जो लोगों का होता है कि नहीं नहीं हमें तो सब कुछ आता है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंडियन पीनल कोड, आपके सामने एक टेस्ट है, देखिए जरा। अभ्यानंद वांटेड टू टेक एडमिशन इन पटना यूनिवर्सिटी, हाउएवर ही डिड नॉट हैव द रिक्विजिट 12th क्लासिफिकेशंस, अभ्यानंद डिपॉजिटेड फोर्ज्ड मार्कशीट्स टू पटना यूनिवर्सिटी अपॉन विच एडमिट कार्ड फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट वॉज डिस्पैच टू हिम, हाउएवर द यूनिवर्सिटी क्लर्क डिस्कवर्ड हिज फ्रॉड एंड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। यहां पर क्या हो रहा है, What is exactly happening over here? क्या यहाँ पे intention रह गया, क्या यहाँ पे preparation हुई, क्या यहाँ पे attempt हुआ, क्या यहाँ पे commission हुआ, हुआ क्या? What exactly did happen here? क्या हुआ यहाँ पे? या क्या हुआ है? Rules जिनको ध्यान में रखना है, जिसके basis पे तुम ये fact को decide कर सकते हो। Number 1, did he do what he could? क्या जो वो कर सकता था उसने कर दिया? पहला सवाल। दूसरा, could he forfeit his action? क्या जो वो कर चुका है उसे फोरफीट कर सकता है? और तीसरा, इज हिज अटेम्प्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन आईपीसी? तीन चीजें बताओ जरा, तीन चीजें, सिंपल क्वेश्चन, थ्री सिंपल क्वेश्चंस, आंसर मी इन अ मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर। इस केस में क्या करोगे, प्रीलिम्स का भी सवाल है, मेंस का भी सवाल है, ब्लडी इंटरव्यू में भी नहीं पूछा गया, इंटरव्यू में भी पूछा गया, बताओ भाई क्या आंसर होगा? व्हाट इज इट क्या है ये? क्या वो जो कर सकता था उसने किया? बिल्कुल कर दिया भाई, उसने दे दी फर्जी मार्कशीट, दे दी। वन, दूसरा, कुड ही फोरफीट हिज एक्शन? नो, जमा हो चुकी है, क्लर्क के पास है। क्या क्लर्क ने आइडेंटिफाई कर लिया? यस, लेकिन क्या वो इस चीज में सक्सेसफुल हो पाया? वॉज ही सक्सेसफुल इन गेटिंग द रिजल्ट आउट ऑफ वॉट एवर एक्ट ही डिड? एडमिट कार्ड इश्यू हुआ है, उसने 12th की मार्कशीट लगाई, एडमिट कार्ड इश्यू हुआ है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अभी तक वो घुस नहीं पाया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं बना। नो, एग्जैक्टली। तो पता है यहां पे चार्ज क्या बना था? यहां पे चार्ज बना था सेक्शन 420+511 का, 420+511 लगा था यहां पे। चीटिंग का अटेम्प्ट है, दिस इज एन अटेम्प्ट टू चीट, रिमेंबर दैट। अभ्यानंद का केस है ये। चलो टेस्ट 1, टेस्ट 2 देखो जरा भाई साहब, मजा आएगा, अभी अभी धीरे धीरे भाई साहब बढ़ेगा, मजा आएगा। देखो, बिमला मैरिड ओम प्रकाश इन द ईयर 1951, दे यूज टू फाइट अ लॉट एंड बिमला लेफ्ट हर हस्बैंड, हाउएवर ऑन अश्योरेंस ऑफ ओम्स पेरेंट्स शी रिटर्न्ड बैक टू हर मैरिटल होम, व्हेन शी रिटर्न्ड टू हर मैरिटल होम द हस्बैंड एक्टेड वेरी स्वीटली फॉर अ फ्यू डेज बट आफ्टर सम टाइम बिकेम विशियसली
abusive towards her. He locked her up. यहाँ से देखना, यहाँ से मजा आना शुरू होता है. He locked her up in the bathroom for days without giving her any food for weeks. Fair enough? ठीक, ये सारी चीजें बाथरूम में बंद किया, खाना वाना देना बंद कर दिया. ठीक, आगे देखो. One day Bimla found the door unlocked and escaped and went to a nearby hospital. The doctor wrote down that she was so emaciated, मतलब एकदम सूख गई थी बेचारी, that her cheeks were hollow. She had no strength or muscles left. Her bones were protruding and she was looking like a dead body. The issue arose was whether the husband had attempted the murder of his wife. अब टेक्निकली अगर यहां पे सोचो और दिमाग लगाओ तो अटेम्प्ट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है. द अटेम्प्ट इज ब्लडी इनविजिबल ओवर हियर. व्हाट डू यू थिंक, डिड ही डू व्हाट ही कुड? कुड ही फॉरफीट हिज एक्शन? एंड इज देयर एन अटेम्प्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड, इज देयर अटेम्प्ट, इज हिज अटेम्प्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन आईपीसी? कम ऑन गाइज, बताओ क्या होगा. यस, एग्जैक्टली सोनाली, दिस इज एन इलीगल ओमिशन. ओमिशन के थ्रू भी तो ऑफेंस हो सकता है. एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन कहां दी हुई है, जब चैट बॉक्स में लिख करके बताओ. दिस इज वेरी, दिस इज इंटरैक्टिव, दिस इज नॉट वन वे. ये वाला मेथडोलॉजी वन वे है ही नहीं मामा. बताओ कहां दिया एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन, कहां मिलती है? अबे एक्ट और ओमिशन, एक्ट एंड ओमिशन नहीं, कि एक एक्ट किया एक ओमिशन किया. एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन कहां मिलती है? 33. आयशाबाश बेटा, पेज पलटो, पेज पलटने का मांगता है. ठीक, वो परफेक्ट भाई. और अच्छा, अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, तो उसका भी कोई सेक्शन लगेगा मामू, उसका भी तो कोई सेक्शन लगना बनता है. कौन सा सेक्शन लगाओगे? लगाओ. हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन? दोनों फर्क क्या है? यहां पे 420 प्लस 511 लगाना पड़ा, यहां सिर्फ एक सेक्शन लगेगा. कौन सा? 307. जबरदस्त भाई साहब, मजा आ रहा है. चलो मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ, पहले चैट बॉक्स में लिख करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हैविंग फन गाइज, हैविंग फन. इंडियन पीनल कोड ही तो चल रहा है, वही पढ़ रहे हैं जो तुम 15 बार पढ़ चुके हो. वी आर रीडिंग द सेम थिंग, वी आर स्टडिंग द सेम थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर लाइक 10, 20, 50, 100, 10,000 टाइम्स. मजा आ रहा है, मजा आईला कि ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल रिलेटेड टू प्रिपरेशन फॉर एन ऑफेंस? प्लीज Please give it a try. Give it a try. Boys and girls, which of the following provision is an exception to the general rule related to the preparation? Ab bloody, what is the general rule related to the preparation? Preparation se related general rule kya hai? General rule hai kya? Pehle isko hatao. Yahan dekho. General rule hai kya? Preparation ka. Haan ji. Wo to Patna University thodi lagayegi. Wo to CBSE lagayegi, Nikki. Hai na? वो तो सीबीएसई लगाएगी साहब. बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल रिलेटेड टू द प्रिपरेशन फॉर एन ऑफेंस? बताओ 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 बताओ. प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस इन इटसेल्फ. वेरी गुड. इट इज नॉट पनिशेबल. करेक्ट, इट इज नॉट पनिशेबल. अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन to the general rule related to the preparation of an offense? कौन सा इनमें से exception है? Fun fact बताऊं, मजा आएगा तुम लोग को. ये भी exception है, ये भी exception है, ये भी exception है, ये नहीं है. Yes, 399 is an exception. You know this क्योंकि ये decoyty है. But 126 and 235, they too are exceptions. ऐसे करो identify. ऐसे करो identify, तब तो मजा आएगा. तब तो मजा आएगा भाई साहब. ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, सिर्फ ये 123 एक्सेप्शन नहीं है. इट्स 399, 235, 126, 122. तीन, चार, चार हैं एक्सेप्शंस, ये नहीं है. अब ध्यान रखना भाई साहब, तुम्हें सिर्फ एक पता है. तुम्हें पूरी नॉलेज है आईपीसी की, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक एक्सेप्शन का सेक्शन नंबर पता है, प्रोविजन. छत्तीसगढ़ पता है क्या करता है? इसी पे खेल जाता है. मध्य प्रदेश पता है क्या करता है? यही तरीका है. ठीक, ये ऐसे करते हैं. आपसे क्वेश्चन ही मैंने ऐसा फ्रेम किया था कि आप सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में सोचो. कई बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस प्रकार से होती है कि आपका माइंड नैरो डाउन हो जाता है एक ही पॉइंट तक. ध्यान रखना. तो ऐसे केस में ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों ही सही जवाब है. ध्यान रखिएगा. ठीक, यस, नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं. फंडामेंटल्स ऑफ मेंस रिया, अब जरा ध्यान से देखिएगा फंडामेंटल्स ऑफ मेंस रिया क्या क्या होते हैं. ठीक, यहां तक तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी. अब यहां देखो, मजा आएगा तुम लोग को. देखो जरा, फंडामेंटल्स ऑफ मेंस रिया, कंसेप्शन एंड डेलिबरेशंस आर नॉट पनिशेबल. लोगों को ऐसा लगता है कि जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली मेंस रिया का सवाल आएगा. ठीक, हाँ, शोभा पूछ रही कि सर तो फिर इनमें से चूज किसको करें. ढंग से द आंसर इज ए ऑल्सो, बी ऑल्सो, सी ऑल्सो. क्वेश्चन को डेलिबरेटली मैंने ऐसा फ्रेम किया है कि देयर आर मल्टीपल आंसर्स. ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, सिर्फ डी गलत है. ध्यान रखो, अब आगे बढ़ो. फंडामेंटल्स ऑफ मेंस रिया, कंसेप्शन एंड डेलिबरेशंस आर नॉट पनिशेबल. अब ध्यान से समझो कि कंसेप्शन और डेलिबरेशन में फर्क क्या होता है. कंसेप्शन का मतलब है मियरली थिंकिंग ऑफ किलिंग 100 पीपल या 1000 पीपल इज नॉट पनिशेबल. वी ऑल अग्री टू दैट, यस और नो? वी ऑल अग्री टू दैट, यस? आप ए करो, बी करो, सी करो, अंशिका तीनों ही सही है. नथिंग इज रॉन्ग, ए बी सी ऑल ऑफ थ्री आर करेक्ट. डी गलत है, डी गलत है, यस. Deliberately, भाई ये तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं ना. दिस इज समथिंग दैट आई एम टेस्टिंग ऑन यू. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय पीएससी और हाई कोर्ट. ये मेरा क्वेश्चन है. टेस्ट तो करूं तभी तो तुम्हारा स्टेटस तुम्हें समझ में आएगा कि क्या प्रिपरेशन है. बताइए जी, अभी तक जो भी पढ़ा वो समझ में आ ही रहा होगा? बेशक आ रहा होगा. अब यहां देखिए, मियरली थिंकिंग ऑफ किलिंग 1000 पीपल इज नॉट पनिशेबल. दिस इज नोन एज कंसेप्शन. मैं सोचूं कि मैं 1000 लोगों को मारना चाहता हूं, मैं सोचूं कि मैं 20,000 लोगों को मारना चाहता हूं, मैं सोचूं कि मैं 50,000 लोगों को मारना चाहता हूं, कंसेप्शन होता है. मेंस रिया का कंसेप्शन. डेलिबरेशन मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं ऐसा कोई बॉम्ब बनाऊं, मैं ऐसी कोई गन बनाऊं, कोई ऐसा डिवाइस बनाऊं जिससे लोग मर सकते हो, 50,000 लोग मर सकते हो, दैट इज नोन एज डेलिबरेशन. ये एग्जाम्पल है कंसेप्शन का, ये एग्जाम्पल है डेलिबरेशन का. आधे से ज्यादा केस में बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेंस रिया का एक प्राइमरी बाइफर्केशन होता है कंसेप्शन एंड डेलिबरेशन. एंड इन आइदर ऑफ द केसेस फॉर इंटेंशन नन ऑफ इट इज पनिशेबल. ना ये पनिशेबल है और ना ही ये पनिशेबल है, दोनों ही पनिशेबल नहीं है. ठीक, नित्या बोल रही है सर आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी क्या, क्योंकि मैं आराम से देख लेना, बाद में देख लेना. ठीक, डेलिबरेशन का मतलब होता है अगर मैं अपने मेन इंटेंशन के अराउंड अगर कोई दूसरा प्लान बनाना शुरू करूं, कुछ दूसरा सोचना शुरू करूं, तो दैट इज नोन एज डेलिबरेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे दुश्मन हो. एग्जाम्पल नहीं हो बेटा, तुम प्यार है मुझे तुमसे. ठीक, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूं. दिस इज अ कंसेप्शन. आई वॉन्ट टू किल यू, दिस इज अ कंसेप्शन. आई वॉन्ट टू गेट अ बाइक, आई वॉन्ट टू गेट अ कार जिसके ऊपर बैठ करके या जिसमें बैठ करके मैं तुम्हें दबा दूं. दिस इज डेलिबरेशन. तो कंसेप्शन के ऊपर जब आप एक फर्दर एड ऑन लेयर चढ़ा देते हो इंटेंशन की, कि ये पूरा करने के लिए मुझे ये इंटेंशन है, तो वो लगता है डेलिबरेशन. सो कंसेप्शन एंड डेलिबरेशन, दे बोथ आर नॉट पनिशेबल. ध्यान रखिएगा. ठीक, आगे देखो. इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश मेंस रिया विदाउट एनी एक्टस रियस. कॉमन सेंस की बात है, क्या एक्टस रियस के बिना मेंस रिया एस्टैब्लिश हो सकता है? जस्ट टेल मी क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? एक्टस रियस के बिना मेंस रिया कैसे प्रूव होगा? हाउ कैन इट बी एस्टैब्लिश? इट्स नॉट पॉसिबल अंटिल एंड अनलेस देयर इज एन एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ योर इंटेंशन. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव दिस. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव इट. ये फंडामेंटल रूल दो है जो आपको ध्यान रखना है मेंस रिया के कॉन्टेक्स्ट में. तीसरा देखो, मेंस रिया इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर मोटिव ड्यूरिंग ट्रायल. मोटिव इंडियन एविडेंस एक्ट में किधर मिलता है? मोटिव इंडियन एविडेंस एक्ट में किधर मिलता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताएं जरा. आहा, प्रिया 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 प्रिया, दोनों वर्ड जो है ना इंग्रेडिएंट है इंटेंशन के. तो कॉन्सेप्शन और डेलिब्रेशन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स और इंटेंशन का ही एक बेसिक पार्ट है, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते. अभी मैं बस, रिया एक काम करना, तू 10 मिनट रुक जा, मैं तुझे नेग्लिजेंस का भी एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसके बारे में लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं. यूल अंडरस्टैंड इट, यूल अंडरस्टैंड. सेक्शन नंबर 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट दिस सिंपल पॉइंट, मोटिव के बारे में बात करता है. लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रायल की बात आएगी, मोटिव के ऊपर हमेशा मेंस रिया को रखा जाएगा या इंटेंशन को रखा जाएगा. इसीलिए जब हम जजमेंट राइटिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के सब्सटैंटिव प्रोविजन के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए. अगर इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए तो क्या मोटिव से फर्क पड़ता है? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ.
जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए तो क्या मोटिव से कोई फर्क पड़ेगा? Will motive make any difference if all the other ingredients of a particular section are proved in a trial by the prosecution? That's the point. Yes. Think tactfully. Think analytically. सिर्फ सेक्शन रट लोगे, सिर्फ ये ध्यान रख लोगे कि भैया इस सेक्शन में ये दिया, इस सेक्शन में ये दिया, इस सेक्शन में ये दिया है, भाई साहब आजकल के पेपर ऐसे बनी नहीं है, ऐसा बन ही नहीं रहा है, वो पूरा एनालिटिकल पूछ रहे हैं, तो एनालिटिकल बुद्धि रखनी पड़ेगी मामा। नेक्स्ट देखो, इफ एक्टस रियस इज प्रूव्ड, मेंस रिया स्टेप्स बैक। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सिद्ध हो जाए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को वीडियो पे दिखाई दे रहा है, जैसे अभी अपन ने शाबाद डेयरी वाला केस देखा था ना, वो साहिल ने क्या किया था, साक्षी की डेथ कॉज कर दी, ठीक। अब साक्षी की डेथ कॉज कर दी, देख के समझ में आ रहा है कि देयर वॉज अ शियर केस ऑफ ब्रूटल किलिंग, ये प्रूव हो चुका है कि साहिल का एक्टस रियस है। अगर एक्टस रियस दिख रहा है तो यहां पे मेंजरिया को प्रूव करने भागोगे, या ये दिख रहा है कि एक्टस रियस है तो ये लायबिलिटी की तरफ ऑलरेडी आपके जजमेंट को मोड़ चुका है। थिंक वेरी वाइजली, अगर आपको ऑलरेडी एक्टस रियस दिख रहा है किसी व्यक्ति का, तो मेंजरिया और इंटेंशन हमेशा बैक सीट ले लेंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे आपको आगे चल के फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं। चलो जी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मेंजरिया यहां आपके सामने, ठीक। दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मेंजरिया एंड यू आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट द सेम। डायरेक्ट इंटेंशन होता है, ट्रांसफर्ड इंटेंशन होता है, मोटिव होता है, नॉलेज होता है, नेग्लिजेंस, इनएडवर्टेंट एंड एडवर्टेंट। ये शायद निकी का डाउट था या किसका डाउट था, अभी बताऊंगा। ध्यान से देखो, एलिमेंट्स ऑफ मेंजरिया, डायरेक्ट मुझे आपको मारना है, मार दिया। ट्रांसफर्ड इंटेंशन, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस, जिसका एग्जांपल 301 में मिलता है, वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे एप्लीकेबल होता है, उसके अलावा और किसी पे भी नहीं होता, लेकिन ट्रांसफर्ड इंटेंशन हर केस में एप्लीकेबल होता है, ठीक। ट्रांसफर्ड इंटेंशन इज एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल क्रिमिनल केस, बट ट्रांसफर ऑफ मैलिस स्पेसिफिकली व्हेन यू लुक एट सेक्शन 301, तो वो वाला ट्रांसफर ऑफ मैलिस सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे लागू होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल जानकारी दिमाग में, तुम्हें बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट भी लोग भूल जाते हैं कि 301 हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इट्स जस्ट द आइडिया ऑफ ट्रांसफर्ड इंटेंशन। नेक्स्ट, मोटिव, किसी बंदे ने किस पर्पस के साथ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कोई ऑफेंस किया, दैट्स द मोटिव ऑब्वियसली। नॉलेज का मतलब होता है कि हाँ भैया ठीक है, हमें मालूम है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दैट्स द नॉलेज। नेग्लिजेंस, इनएडवर्टेंट और एडवर्टेंट, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। ध्यान से देखो, अ डॉक्टर अननोइंगली लीव्स द सीजर्स इनसाइड द पेशेंट्स वुंड, इनमें से क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, इनमें से क्या हुआ है बताइए। ये जो क्वेश्चन है, अ डॉक्टर अननोइंगली लीव्स द सीजर्स इन द वुंड या सीजर्स इनसाइड द पेशेंट्स वुंड, भैया वो कर रहे थे अपना झोलझाल कर रहे थे, उसी में छोड़ दिया, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, What would happen? And you guys haven't liked the video yet? Come on, guys, like the video. भाई effort है, effort को प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए. Do like the video if you haven't liked it yet. Come on, इतना मत बाहा करो भैया अगले की तारीफ में कि तारीफ यहाँ पे virtually करना भूल जाओ. अब तुम सोचो, ये तो वही बात हो गई ना कि तुम्हारा intention है, यार शुभम सर बढ़िया पढ़ाता है, मस्त पढ़ाता है, वाह वाह मकसूद भाई कि तुम क्या गजब का काम करता है, अबे मैं मिलूंगा तो जादू की झप्पी दे देना, अभी लाइक कर दो, क्या दिक्कत जा रही है तुमको, यू कैन लाइक द वीडियो एंड इट विल स्टिल वर्क। यस, दिस इज नेग्लिजेंस, ऑब्वियसली वी ऑल नो दिस नेग्लिजेंस है। अब सवाल ये है, ये नेग्लिजेंस इनएडवर्टेंट है या एडवर्टेंट है, दैट्स द क्वेश्चन। ये नेग्लिजेंस, ये वाला नेग्लिजेंस एडवर्टेंट है या इनएडवर्टेंट है, मतलब पता है, पहले तो बुद्धि में यही नहीं जाता कि साहब इनएडवर्टेंट और एडवर्टेंट का मतलब क्या होता है, देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस। एडवर्टेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर एक्टिंग रेकलेसली, व्हेन यू आर एक्टिंग रैशली, व्हेन यू आर एक्टिंग विदाउट एनी, लाइक हम कहते हैं ना कि भैया बिना सोचे समझे जब आप एक्ट कर रहे हो, गाड़ी चलाना, दैट्स एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर, लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ सर्जन, इस बंदे की ड्यूटी होती है, तो इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस होता है यहां पे। When you say professional negligence, it is a kind of inadvertent negligence. Try to remember this point. Recall रखना दिमाग में, तभी मजा आएगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक। तो advertent का मतलब होता है rash act करना, एकदम पागलों की तरह बेतहाशा बेवकूफियों वाली हरकतें करना और किसी व्यक्ति को इंजुरी पहुंचाना, that's advertent.
inadvertent मतलब you hold a duty of care towards somebody and you are not following that, यानी कि आपको due care and caution रखना चाहिए पर आपने follow ही नहीं किया, खेल खत्म, professional misconduct, simple, ठीक, अब हो गया। हाँ, बिहार में ऐसे गाड़ी चलाने को लहरिया चाल कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ता बढ़िया ये सही था, लहरिया चाल। हमारे यहाँ पे पता है क्या बोलते हैं, पायलट। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग उसको पायलट बोलते हैं कि ज्यादा पायलट बन रहा है नागपाड़ा के राइडर, मर जाएगा साले, ठीक है, दिस हैपेंस, पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज, पर मर जाएगा साले, यही बोलते हैं, मरेगा बे, मरेगा साले या मर जाएगा साले, यही शब्दों का इस्तेमाल होता है। देखिए हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी लिए ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक, बहुत मैं बहुत अच्छा भगवान से डरता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन फील्स हंग्री एंड स्टील्स अ पैकेट ऑफ लेस, इतने में क्या हुआ है, इतने में क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, बताओ जी, बताओ बताओ बताओ, व्हेन वन फील्स हंग्री, ठीक, व्हेन वन फील्स हंग्री एंड स्टील्स अ पैकेट ऑफ लेस, लेस का पैकेट चुरा लिया लड़के ने, भाई गरीब था बेचारा, भिकमंगा भिकारी बेचारा, उसके पास नहीं था खाने को, ठीक। अब आप लोगों को एक मस्त चीज बताता हूं, ये लेस का पैकेट चुराने के लिए आपको गरीब होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैंने नहीं चुराया, मैं बस बता रहा हूं कि आप लोगों को लेस का पैकेट चुराने के लिए गरीब होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा यहाँ पे, व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, सो द फन फैक्ट इज यहां पे ऑब्वियसली थेफ्ट है, देयर इज अ थेफ्ट। व्हाट एलिमेंट्स कैन यू फाइंड ओवर हियर, कौन से एलिमेंट्स यहां पे दिख रहे हैं, एलिमेंट्स बताओ, जस्ट टेल मी, व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर प्रीटी मच विजिबल ओवर हियर, एलिमेंट्स ऑफ मेंसरिया विच आर विजिबल, बताइए। डायरेक्ट इंटेंशन है, यस, स्टीलिंग, और कुछ, डायरेक्ट इंटेंशन दिख गया, और क्या दिख रहा है, मोटिव, वर्तिका, वेरी गुड आयुषी, शाबाश शाबाश, बढ़िया है, अरे बिगिनर, तू बिगिनर नहीं है बेटा, तू एकदम प्रोफेशनल हो चुका है, बिगिनर कहाँ है, वेरी गुड। मोटिव, भैया भूखे हो तो खाना खाना, भूख मिटाना, पेट भरना, ये हमारा क्या है, ये मोटिव है, दैट्स द मोटिव दैट वी होल्ड, एंड ऐसे में अगर चोरी वोरी करेंगे तो यही होगा, ध्यान रखना। तो भाई प्रारब्ध बैच जो अभी शुरू हो रहा है ना 15 जून से, उसमें एग्जैक्टली सेम यही पेडागॉजी होने वाली है, इट विल बी द सेम लेवल दैट यू गाइज विल बी फेसिंग इन द प्रारब्ध बैच। तो ध्यान रखना कि प्रारब्ध बैच जो है, चाहे तुम किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के लिए, एमपी के लिए, मे यू बी प्रिपेयरिंग फॉर एनी एवरी सिंगल बैच, द वे यू विल बी फेसिंग द क्वेश्चंस, द वे यू विल बी स्टडिंग अ सब्जेक्ट विल बी लाइक दिस, ये होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागॉजी भैया हमने बता दिया, आगे चलते हैं। एक और सवाल, तीसरा सवाल, ये भी तो है, इसका भी जरा जवाब दीजिए। अब बताइए, अ बस ड्राइवर वाइल ड्राइविंग, ठीक है, अ बस ड्राइवर वाइल ड्राइविंग स्नीक्स अ पीक एवरी नाउ एंड देन ऑफ अ ब्यूटिफुल लेडी सिटिंग इन द बस, ठीक है, मतलब कि जब बस चालक जो है, ड्राइवर जो है, वो गाड़ी चलाते चलाते बार बार रेयर व्यू मिरर ऐसे एडजस्ट करके किसी ब्यूटीफुल लेडी को जो कि पीछे बैठी हुई है, कोई महिला है, बहुत खूबसूरत महिला है, उनको वो बार बार देख रहा है, ठीक। अ बस ड्राइवर वाइल ड्राइविंग स्नीक्स अ पीक एवरी नाउ एंड देन ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग इन द बस, यहां पे कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, इनमें से कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, बता दो, बता दो, इनमें से कौन सा एलिमेंट आपको यहां पे दिख रहा है, कुछ हुआ नहीं है, नथिंग हैज हैपेंड, निहार रहा था, है? निहार रहा था, अबे स्टॉकिंग, ये देखो यहां स्टॉकिंग कहां लिखा भैया, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, पर नेग्लिजेंस के साथ एक और एलिमेंट है, वो बताओ, नेग्लिजेंस तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, अरे भैया हमें गाड़ी ऐसे चलानी है, अगर हम गाड़ी चलाते चलाते ऐसे देख रहे हैं, ये क्या बात हुई भैया, नॉलेज, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट, शाबाश शाबाश, भाई साहब अपने लिए तालियां हो जाए एक बार, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जल्दी से भाई तालियां वालियां बजा दो, वेरी गुड, वेरी गुड, ये टैक्टफुलनेस मुझे तुम्हारे दिमाग में डालनी है, आई एक्चुअली वॉन्ट टू प्रिपेयर यू गाइज दिस वे, ये प्रिपरेशन तुम्हारा होना चाहिए, यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ, यू कैन एक्चुअली क्लैप फॉर योर सेल्फ, अरे इमोजी बनाओ थोड़ा, शोरगुल करें, मजाक मस्ती करें, पता चलना चाहिए शुभम सर की क्लास है, बढ़िया, यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ, यस भाई साहब, सौ सौ मिलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसा पैसा मिलता है, ऐसा डॉलर वॉलर मिलता तो मजा आता थोड़ा, ठीक, यस, दिस इज इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस एंड इट इज नॉलेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ जी, अटेम्प्ट ऑलवेज
पनिशेबल. अटेम्प्ट तो हमेशा पनिशेबल होता है ना. आइडेंटिफाई द सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड विच डू नॉट डील विद अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस. अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस की पनिशमेंट इनमें से कौन से सेक्शन में नहीं दिए. काइंडली आइडेंटिफाई जी बताओ. बिल्लू बार्बर बताओ. आइडेंटिफाई द सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड विच डू नॉट डील विद अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस. क्वेश्चन ध्यान से सुनना. अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस को कौन सा इनमें से कौन सा प्रोविजन पनिश नहीं करता है बता दो. हाँ टीचर महान बच्चे सुपरस्टार ऐसा ही चाहिए होता है. दैट्स व्हाट इज नीडेड. ठीक. डू नॉट डील विद अटेम्प्ट. बता बता बता. अबे ये तो डील करती है 511 अटेम्प्ट है तो. आइडेंटिफाई द सेक्शंस. एक से ज्यादा ऐसे सेक्शंस हैं जो कि कहीं ना कहीं अटेम्प्ट से तो डील कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं. आइडेंटिफाई दिस. बताओ. वेरी गुड. अब है वेरी गुड. 125, 356 और 357 ये तीन ऐसे सेक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट से कनेक्टेड तो हैं लेकिन ये तीनों ही सेक्शंस एक्चुअली अटेम्प्ट को पनिश नहीं करते. 511 अटेम्प्ट को पनिश करता है, 307 करता है, 308 करता है, 121 करता है, 309 करता है, 326 बी करता है, 393 करता है, 398 करता है लेकिन ये नहीं करता. यस रिमेंबर दिस पॉइंट. मजा आया. अगला क्वेश्चन करो. विच प्रोविजन ऑफ MHA 2017 डीक्रिमिनलाइज्ड 309 ऑफ IPC. डायरेक्ट सवाल है भाई साहब. यार डायरेक्ट सवाल. इजी पीजी जैपनीज़ी. बताओ. आई विल बी टीचिंग यू दिस वे. मैं बता रहा हूं ना मेरा प्रारब्ध बैच में ये प्लान है. प्रारब्ध में ये प्लान चलेगा. जो मेरे महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं तेजस वाले, जो MP वाले बच्चे हैं, जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं, भैया नोटिफिकेशन देख के बहराए हुए हो ना. जैसे प्रीवियस ईयर दो पेपर आए हैं अपने, एक छत्तीसगढ़ का और MP का. दिस विल बी द लेवल. इस लेवल पे प्रिपरेशन करने वाले हैं. सो इफ यू विश टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन. रिमेंबर टू यूज द कोड JW10. अभी मत करना. बताऊंगा. पहले सरप्राइज सुन लेना उसके बाद करना. ठीक. बताओ जी. ये मजा सबको मिलना चाहिए. बताओ. टेल मी. Not many people know the answer to this question. Yes, people do know, but not many people know the answer to this question. Which provision of Mental Health Act? Mental Health Act जो है भाई साहब, Mental Health Act के कौन से section के द्वारा 309 यानी abetment या rather attempt to, not abetment, attempt to suicide को decriminalize किया गया है? Section or sections? नहीं बन रहा. सेक्शन 115. इट्स सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट जो कि पनिश करता है, रादर डीक्रिमिनलाइज करता है सेक्शन 309 IPC को. ध्यान रखना सेक्शन 115 लिख लो कहीं पे, 309 के बगल में लिख लो ऐसे एरो डाल करके. बेरैक्ट है ना, तो 309 के बगल में ऐसे लिख लो सेक्शन 115 ऑफ इंडिया MHA हमारा महाराष्ट्र सॉरी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 उसका सेक्शन 115 डीक्रिमिनलाइज करता है सेक्शन 309 IPC को. कोई बात नहीं. मजा आ रहा है. जरा चैट बॉक्स में लिख करके बताओ. हैविंग फन. आर यू गाइस हैविंग फन? यार लिख के बताओ. ये तो मैं सुनना चाहता हूं लेजिटिमेटली. इफ यू गाइस आर हैविंग फन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो डू लाइक द वीडियो. व्हाट्स द प्रॉब्लम इन लाइकिंग द वीडियो एंड डू लेट मी नो. आर यू गाइस हैविंग फन? मजा आ रहा है. अभी तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अटेम्प्ट. हम लोग तो मेंजरिया ही डिस्कस कर रहे थे, प्रिपरेशन ही डिस्कस कर रहे थे, अटेम्प्ट ही डिस्कस कर रहे थे. वी आर नॉट एक्चुअली डिस्कसिंग एनी बिग थिंग. कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर ही नहीं रहे. अभी कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, इलेक्शन, ब्राइबरी, उस सबको तो डिस्कस ही नहीं किया. वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट. हैविंग फन. यस फनफना गए एकदम. बहुत बढ़िया. यस दैट्स द स्पिरिट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. रूल. There's a rule. Ooh, what's the rule? Rule says faulty preparation is no preparation to cause an attempt. Read again. Faulty preparation is no preparation to cause an attempt. Aao ji. Ghoomar. Dekh lo jara. Fact kya bolta hai? Asghar Ali was a married man with a wife and two children. He was having an affair with a neighbor woman who was a divorcee. Asghar Ali promised marriage to her and she agreed to have sexual relations with him.
After a few months, she became pregnant with Asghar Ali's child. Okay. Asghar Ali became increasingly nervous and requested the woman to abort the child, but she refused and asked him to come good on his promise of marriage. कि भैया तुमने promise किया था कि शादी करोगे, शादी करना पड़ेगा, शादी बनाएगा, नहीं बनाएगा तो मैं सबको बताएगा, तो शादी बनाएगा. ठीक. तो Asghar Ali went to a medical quack and purchased copper sulfate. ठीक है, कॉपर सल्फेट. अब ये मत पूछना सर मेडिकल क्वैक क्या होता है. मेडिकल क्वैक वो बेटा देखे हो वो से माई नेम नहीं, ब्रेकिंग बैड नहीं, क्रिस्टल. चर्सी लोग होते हैं, ड्रग्स बेचते हैं वो लोग. ठीक है, ऐसा समझ लो. ठीक. सो Asghar Ali went to a medical quack and purchased copper sulfate tablets for aborting the child. इसने भैया tablet वैबलेट खरीद ली copper sulfate की. The next day he asked her to ingest the copper sulfate tablets but she refused. उन्होंने कहा कि भैया दवाई खा लो, देखो abortion हो जाएगा, मस्त बचे रहेंगे, बढ़िया. उसने मना कर दिया कि नहीं बेटा, शादी बनाएगा. That's it. अब इधर देखो. Upon which Asghar Ali held her throat and made her ingest a few tablets. ठीक, made her ingest a few tablets. Doctors held that copper sulfate cannot cause miscarriage. Miscarriage का section बोले तो, miscarriage का section कौन सा है जो punishment देता है miscarriage की? Anyone who can think of? Miscarriage का कौन सा section है? झोला छाप doctor, yes. हाँ जी, ऋषि बोल रहे हैं हिमाचल judiciary test series है, an academy पे available है, I believe. Yes, you can use the code JW10 and get the benefit. Yes. Get the benefit. 312, that's correct. Very good. Woohoo. Badhiya. 312, that's correct. Now the question is Asghar Ali liable for 312 read with 511? That's my question. Answer this. Come on, guys. You can answer this. Yes. Batao. Shweta bol rahi hai, sabka copy karke, mera answer hai sir 312. मैं मेजॉरिटी के साथ जाएगी. इज ही लायबल फॉर 312 रेड विद 511? एब्सोल्युटली नॉट. कम ऑन, कहां भैया. फॉल्टी प्रिपरेशन इज नो प्रिपरेशन टू कॉज एन अटेम्प्ट. सिंपल भाई, फॉल्टी प्रिपरेशन है. तुम किसी की ये लो, ये जो देखो, ये मैं सोचूं कि भैया ये बढ़िया गन है, ये मैं गन लेके गया. ठीक, फॉल्टी प्रिपरेशन. हाँ, ऐसे गया मैं. अब ऐसे जा करके मैंने किसी पे चली नहीं रही है, चली नहीं रही है तो नकली बा. माउजर गन है, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है. अब ऐसे में अगर मैंने किसी पे बंदूक रखी, गोली चलाई, मरेगा तो वह है नहीं, फॉल्टी प्रिपरेशन है. अटेम्प्ट टू मर्डर भी आप कैसे पता कर लोगे, मैं बोल रहा हूं मजाक कर रहा हूं. लेकिन क्या सामने वाला इस पे प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है, बताओ. यह सवाल है. यह तो एक आंसर हुआ. दूसरा सवाल, ठीक, अरे इंटेंशन था, बिल्कुल था, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉल्टी प्रिपरेशन इज नो अटेम्प्ट ना. फॉल्टी प्रिपरेशन इज नो अटेम्प्ट. और आप कैसे पता करोगे कि फिर वो कॉपर सल्फेट किस लिए लाया? फॉल्टी प्रिपरेशन इज नो अटेम्प्ट, यही तो रूल है. यही तो कॉन्सेप्चुअल डाउट लोगों के आता है कि सर इंटेंशन तो था ना सर, देखो मारना तो चाहता था. समझो जी. जी सबास सबास. प्राइवेट डिफेंस अगर हो तो प्राइवेट डिफेंस में अगर एप्रिहेंशन हो रहा है तो एप्रिहेंशन आपको थोड़ी पता है कि लेजिटिमेट है कि इललेजिटिमेट है. मार सकते हो सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई. अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति, ठीक है, मिस्टर बीन टाइप का ऐसे चाकू उठा करके तुम्हें मारने के लिए आए तो तुम उसे छोड़ दोगे? तुम बोलोगे अरे यार ये तो मिस्टर बीन जैसा दिखता है, हो सकता है इसका चाकू नकली है तो मैं इसको मारने देता हूं. विल यू होल्ड नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन दैट केस? यू विल होल्ड अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. Even if the attempt is not that good, you will still hold the right of private defense. That's the conceptual clarity. Yes, he can very well use right of private defense. That's the point. That's the rule. That's it. अरे एक बात बताओ, कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने अपनी समझ से तीन चार पाइप थे, वो तीन चार पाइप जोड़ दिए, उसमें लाल कलर का एक तार लगा दिया, उसमें हरे कलर का एक तार लगा दिया, उसमें सफेद कलर का एक तार लगा दिया, उसमें काले कलर के चार तार और लाल पाइप है चार लाल पाइप को चार लाल तारों से जोड़ करके वो जा करके एक व्यक्ति की कार के नीचे रखा है और ऐसे दूर खड़ा हो गया ऐसे, फटेगा. द क्वेश्चन इज सिंपल, इज देयर अ प्रॉपर अटेम्प्ट ओवर हियर? ऑब्वियसली नॉट.
ऑब्वियसली नॉट, कम ऑन, काहे का प्रिपरेशन भाई, फॉल्टी प्रिपरेशन है, फॉल्टी प्रिपरेशन है तो नो अटेम्प्ट, दैट्स इट, दैट्स द रूल, दैट्स इट. माइंड में क्लैरिटी भाई, माइंड में क्लैरिटी, दैट्स वॉट मैटर्स द मोस्ट. खत्म खेल. आ जाओ जी, आज का आखिरी सवाल, मजा देगा ये आप लोगों को. धोनी एंड वीरेंद्र, देखो इनका जीवित लोगों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, किसी भी जीवित या मृत व्यक्तियों से इनका कोई लेना देना नहीं है. धोनी एंड वीरेंद्र वर हस्बैंड एंड वाइफ रेस्पेक्टिवली. धोनी वांटेड टू मैरी अ सेकेंड टाइम विद सुरेश. ठीक, धोनी और वीरेंद्र हस्बैंड वाइफ, इसको सुरेश से शादी करनी थी. व्हेन द वाइफ वीरेंद्र फाउंड अबाउट द वेडिंग कार्ड्स ऑफ हर हस्बैंड धोनीज मैरिज विद सुरेश, शी प्रोसिक्यूटेड हर हस्बैंड ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट बाइगेमी, दैट इज सेक्शन 494 रेड विद 511. आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या धोनी अटेम्प्ट टू बाइगेमी के लिए लायबल होगा यहाँ पे, बता दो. मैंने पहले पता है अभय गंभीर ही रखा था, फिर मैंने ये सोचा कि मुझे दिल्ली भी तो जाना होता है यार, कहाँ है रिस्क, लो छोड़ दो. बताओ, बताइए, डिसाइड वेदर धोनी इज लायबल फॉर द अटेम्प्ट ऑफ बाइगेमी और नॉट, दैट्स द क्वेश्चन. सिंपल इजी पीजी जापानीजी है, बनना चाहिए. बताइए. करेक्ट, करेक्ट, द आंसर इज नो. भैया शादी के कार्ड बट जाने से या शादी के कार्ड छप जाने मात्र से बाइगेमी थोड़ी हो गई. आया समझ में? अब मैं नहीं, धोनी जा करके विंटेज कार बुक करके आया कि हम घोड़ी पर रथ पे नहीं आएंगे, हम तो विंटेज कार में महाराजा बन के आएंगे, इससे बाइगेमी हो गई? नहीं हुई. द रूल इज देर इज नो बाइगेमी अनलेस देर इज अ बाइगेमी, दैट्स द फंडा. वन हु रियलाइजेस दिस फंडा, मजा आ जाएगा. नाउ यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन, प्रिपरेशन, आपका क्या बोलते हैं अटेम्प्ट, एंड ऑब्वियसली कमीशन. यू ऑल अंडरस्टैंड, यू ऑल अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली कमीशन इज. माई डियर स्टूडेंट्स, जरा फटाफट से बताना आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. हाउ वॉज द क्लास? ये चलनी है पेडागोजी, ये रहेगी भाई, इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को बता दे रहा हूँ कि दैट इज गोइंग टू बी द पेडागोजी प्लस. Surprise is coming your way in the Prarabdh batch for all those who use the code JW10. Full length mock 15-15, MPCJ ke 15, CGCJ ke 15, Maharashtra wale students ke liye bhi available hoga. Jitne bhi students ne code use kiya hai JW10, they are getting 15 mocks over and above what you are getting at Unacademy. Unacademy pe bhi bhai sahab bahut shandar shandar mock hai. Ye un logon ke liye meri pehel hai jin students ne JW10 code use kiya hai. Jo log bolte hai ki haan sir hum aapse dil se prem karte hain, bahut aapse prem hai. Theek, so bhai un sabhi students ko bata dun ki jo bhi students JW10 code use karte hain, they are getting 15 mocks. Ye 5 hots ye hain, matlab 10 normal mocks aur 5 aise तगड़े वाले मॉक्स, फिर 10 नॉर्मल मॉक्स और फिर 5 ऐसे डिफिकल्ट मॉक्स जिनमें जान निकल जाए. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द डिलीवरेबल, यू विल लव इट. प्लस सब्जेक्ट वाइज मॉक्स, इंग्लिश लैंग्वेज के 15 मॉक हैं, कंप्यूटर नॉलेज के 15 मॉक, एमपीजीके के 15 मॉक, स्टैटिक जीके के 20 मॉक. तो जोड़ लो भैया कितने होगा ये, 30, 60, 80, 85, मन करेगा 5 एक्स्ट्रा और मॉक जोड़ देंगे, डन एंड डस्टेड. फेयर एनफ, कल आगे बढ़ेंगे, कल और एरियाज को कवर करेंगे आईपीसी में कोर कॉन्सेप्ट. आई होप आज के सेशन में आप लोगों को मजा आ गया होगा. जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया, क्या मजा आया, फटाफट से बता दीजिए. प्लस फिर से आप लोगों को बता दूं कि प्रारब्ध बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of June, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागॉजी यही रहने वाली है जो अभी अभी आपने देखी. 6 महीने का पूरा ये कोर्स होने वाला है. छत्तीसगढ़ और एमपी हमारे प्राइमरी टारगेट्स हैं और अनअकैडमी के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, बट कल से ऑफर एप्लीकेबल है 17 तारीख तक. रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 एंड गेट दैट 25% डिस्काउंट. सीधे 25% डिस्काउंट. आई होप यू लव द क्लास. एंड प्लस एक और अच्छी चीज, एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं, SQN विल कम बाय, ठीक है, SQN will come by 20th of June. SQN क्या है इसके लिए बने रहिएगा, टेलीग्राम पे भी बने रहिएगा, वहां पे भी जानकारी मिलेगी. SQN आपको 20 जून से मिल जाएगा, यू विल गेट द अनाउंसमेंट डन. ठीक, चलिए जी, मां साहब बढ़िया पढ़ाए हैं, बहुत ही बढ़िया. क्लास का टाइमिंग डेली बता दे रहा हूं, क्लास का टाइमिंग 7 PM पे चलेगा. द क्लास विल बी हेल्ड डेली एट 7 PM. ठीक भाई, ये हम सोच रहे हैं कि भाई अगर 7-8 क्लास में हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो थोड़ा और बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है.
बट यू विल लव इट. एंड इफ यू हैवंट लाइक द वीडियो येट, डू लाइक द वीडियो यार, क्या कर रहे हो. लाइक द वीडियो, यूज द कोड JW10, गेट 25% डिस्काउंट, गेट ऑल द मॉक्स ओवर एंड अबव व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी भयंकर तगड़े वाले मॉक्स हैं, बट उनके साथ साथ कुछ मेरे बनाए हुए मॉक्स आप सभी लोगों को मिलेंगे व्हेन यू यूज द कोड JW10. आई होप आज की क्लास में आप लोग को मजा आया, पसंद आई होगी आज की क्लास, फन रहा होगा आज की क्लास में. दैट्स गोइंग टू बी द पेडागॉजी, दैट्स गोइंग टू बी द मेथडोलॉजी इन द प्रारब्ध बैच लॉन्चिंग ऑन 15th. एंड ऑब्वियसली 6 महीने का बैच है, छत्तीसगढ़ एंड MP हमारे प्राइमरी टारगेट्स हैं. दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ. टिल देन यू कैन क्रैक दिस कोड, और इस कोड को क्रैक करके मुझे चाहो तो नेक्स्ट सेशन तक बता देना कि SQN क्या हो सकता है. सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, वेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट, बेला चाओ, एंड वॉट, जय हिंद, बाय बाय. कल मिलते हैं 7 बजे, और ये जो आज लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी ना, इससे 2 लेवल ऊपर जाके कल मिलने वाला हूँ. सो बाय बाय.